हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम फूल तोड़ रहे हैं। फूल इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग कोई होली प्लेस जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं वो आपको वीडियो के दौरान ही पता चलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहे, और ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हम इसलिए झुके हुए हैं क्योंकि अभी हम फूल तोड़ रहे हैं। तो यहाँ सब लोग बैठ चुके थे जो इस ट्रिप पे जाने वाले थे, और हमारी गाड़ी भी निकल चुकी थी। और हम लोग नरसंडा वाला रूट लिए थे, उस रूट से हम लोग जा रहे थे जहाँ जा रहे थे मतलब। और ये रास्ते का कुछ क्लिप है। बहुत अच्छा वेदर हो रखा था, मस्त सा वेदर भी अच्छा था और इन्वायरमेंट भी अच्छा लग रहा था। बेसिकली मैं भी इस तरीके का जंगल एरिया वाले गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा जगह अट्रैक्ट करता है क्योंकि अभी हम लोग शहर में रहते हैं तो गाँव की माटी तो हमें याद आती ही रहती है। और यहाँ रास्ते पर एक रास्ता मतलब रोड साइड पर ये तालाब था, तालाब में बहुत सारा कमल का फूल खिला हुआ था, पिंक पिंक। तो हम लोग मुथरा को बोले कि जाओ उससे मांग के ला दो, तो गया। उसके बाद वो बेचारा वो लड़का भी तोड़ दिया हम लोग के लिए, वो नहा रहा था और शर्मा भी रहा था काफ़ी। फिर बाद में हम लोग ना खुशी से प्यार से उसके लिए पैसा दे दिए, तो वो लड़का लेने नहीं खोज रहा था। फिर बाद में हम लोग मुथुरा को बोले कि जाओ उसके साबुन के डिब्बे में डाल दो, वो मना करते रहा। फिर भी हम लोग उसके साबुन के डिब्बे में डाल के आ गए। फिर यहाँ पर कुछ अपना फ़ोटो क्लिक करा रहा था, फिर हम लोग का गाड़ी फिर से चलने लगा। तो अभी बेसिकली सीज़न है रोपाई का, तो यहाँ सब लोग रोपाई उपाई वाला सीन कर रहे थे उस एरिया में। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड लग रहा था, चार चार लोग बैठे थे। तो हम लोग यहाँ पे उतरे और फिर हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग ऊपर ही बैठेंगे, हवा खाते खाते मस्त अपना जाएंगे। और ये जो एरिया का नाम था वो था नोगोडा का मतलब होता है मीठा पानी हो में। हम लोग यहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज में नोगोडा से ये एरिया का नाम रखा गया था। फिर हम लोग ऊपर बैठे मस्त हवा में, एसी वाला हवा खाते हुए हम लोग फिर आगे चल गए। ये रास्ते में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, मतलब बसेस चलती हैं इस रूट से, जो भी मनोहरपुर वाला रूट मतलब मनोहरपुर जिसको जाना रहता है वो लोग इस रूट बस सब इस रूट से जा रही थी। और हम कभी इस रूट में नहीं आए थे, ना ही उधर साइड मनोहरपुर या गोइलकरा कभी गए थे बाई रोड। हाँ ट्रेन में गए थे हम, गए हैं MP वगैरह, लेकिन रोड साइड से हम कभी नहीं गए थे। और सब हम लोग बैठे हुए थे और मस्त इधर का व्यू का आनंद लेते हुए और एसी का आनंद लेते हुए हम लोग का गाड़ी निकल पड़ा। और जो लोग हम लोग को देख रहे थे वो लोग भी काफ़ी खुश हो रहे थे हम लोग को देख के। और यहाँ पे एक पैसेंजर मिल गया हम लोग को, उनको कहीं जाना था, आई थिंक शायद उनको गोइलकेरा जाना था, तो वो यहाँ पर चढ़ गई थी तो हम लोग उनके लिए रोक दिए थे। और हम वो बोल रही थी कि ऊपर में इसको लोड कर दो, तो हम लोग बोले नहीं नीचे ही आप लोड करो। और रास्ते पे ऐसे छोटे छोटे मतलब नहर या फिर छोटी नदी कह सकते हो, वो छोटा छोटा नदी हम लोग पार कर रहे थे। और देखें यहाँ भी खेती का काम चल रहा है। अगर बहुत अच्छा दिख रहा था सीन वाइज, मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा था। अगर कोई ड्रोन या मतलब अच्छा ब्रांडेड फ़ोन से अगर ये वीडियो वगैरह शूट करता तो बहुत मस्त लगता है। और हमको लग रहा था कि इस एरिया पे शायद कुछ कुछ मूवी वगैरह या शॉर्ट्स मतलब वीडियो वगैरह भी शूट किया गया है, जो मतलब हो मूवी या हो वीडियो का, हमको ऐसा लग रहा था, पता नहीं। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके हुए थे, और यहाँ पे जमुना फूफू मतलब बुआ जो है मेरी वो डांस कर रही थी मस्त मौला। ऊपर बैठ के तो हम लोग का ओ माई माता हो गया था बाल का, बट हु केयर्स। और यहाँ पे कुछ ऐसा प्रपोजल दिया जा रहा था, बेसिकली ये लीफ है ना, चिराइती बोलते हैं इसको, शायद इसका पानी या इसका पत्ती खाने से पिंपल्स वगैरह नहीं आते हैं। और जब भी आप कहीं जाते हो तो ये वाला जो पत्ती है उसको आप अपने ऐसे बालों पे भी लगा सकते हो, इससे बुरी नज़र नहीं लगती है। और ये लोग अभी यहाँ पे मतलब जो मेरी बुआ लोग है वो लोग भी अपना फ़ोटो शूट के लिए हमको बोल रही थी, तो हम तो मेरा वीडियो ऑन था तो हम इन लोगों को वीडियो में ही कैप्चर कर दिए, फिर हल्का फुल्का फ़ोटो वगैरह क्लिक कर दिए थे। और यहाँ पे ये
बुआ भी अपना पोज में बैठ गए और बाकी लोग भी इधर अपना लगे हुए हैं, तो हमने यही पोज में उन लोग का फ़ोटो क्लिक कर दिया। उसके बाद ये बस हम लोग इस बस के साथ कभी वो आगे जा रही थी, कभी हम लोग पीछे जा रहे थे, ऐसा ऐसा सीन था बस का। फिर यहाँ पे गोइलकेरा स्टेशन था उधर साइड में, राइट साइड में, और यहाँ पे ये फाटक था। तो फिर बाद में वो बस वहीं पे रुकी और फिर शायद वहीं से वापस चायबासा के लिए जाएगी। हम लोग फिर ये फाटक पार की, ये गोइलकेरा स्टेशन है आगे, मतलब इधर राइट साइड में। यहाँ से करीबन महादेव साल का जो डिस्टेंस है वो लगभग है 5 किलोमीटर। तो अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन के एकदम करीब में हैं। तो फिर इधर हम लोग का गाड़ी स्पीड पे चलने लगा मस्त से। फिर ये बोलेरो वगैरह भी आने लगे थे, जनरेटर इसलिए लगा था इधर में ना, अभी लाइटिंग वगैरह होगा क्योंकि अभी सावन, अभी और 2 सप्ताह का सावन है, मतलब 2 वीक रहेगा, शायद 2 सोमवार होगा। देखिए यहाँ पर ये जो कांवरिया लोग हैं, जो बोलबम वाले लोग हैं, वो लोग भी शायद आए हुए थे। तो वो लड़का एक लेटा हुआ था, शायद थक गया होगा। फिर हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, पार्किंग वगैरह लगा हुआ था। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ाए, फिर हम लोग वहाँ पे उतर गए। ये गांव का नाम तो हमको याद नहीं है, थोड़ा अजीब ही गांव का नाम था, तो हम गांव का नाम याद नहीं किए। और जब हम लोग पहुँचे तो ऐसे ऐसे भीड़ हो रहा था, हल्का हल्का लोग आ रहे थे और हम लोग यहाँ पे उतर रहे थे।